ఎత్తులా జాందో జాందో కాశ్మీర్ కే జాందో జాందో అను కే కరో కేన్సల్ కరో ఫైర్ సర్వీస్ కా లిస్ట్ కేన్సల్ కరో కేన్సల్ కరో ఫుల్ ఫైర్ జస్టిస్ 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 మరి మంగే పూరి కరో కాశ్మీర్ కే కాటిలా జాందో జాందో కాశ్మీర్ కే కాటిలా జాందో జాందో అను కే కాటిలా ये हमारे मुद्दा मकसद यही है, भारतीय युवा मोर्चा का यही मुद्दा मकसद है कि आज कल जो जवान अभी पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है और उसका माँ बाप का सहारा उसको बनना चाहिए। और आज आप देख रहे हो कि जो फायर सर्विस का लिस्ट है उसको कैसे धांधली की गई और पेपर्स पहले दिन से आउट किए गए और ये बेचारे आज अपनी मांग हमारे पास आ रहे हैं और हम इनके साथ हैं, युवा मोर्चा इनके साथ है, बिल्कुल कंधे से कंधे इनके साथ है। तो सर ये बता दीजिए, अभी सरकार भी नहीं है तो गवर्नर को, अभी जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से हैं, तो इस वक्त आपको लगता है, आपने बताया था करप्शन नहीं हो जाएगी दफ़ा 370 के बाद, एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट हुए वो दफ़ा 370 के बाद हुए? देखिए, एग्ज़ाम्स का आपको आपके नॉलेज में भी हैं, पहले चार दफ़ा एग्ज़ाम्स जो पोस्टपोन हो गए थे, पहले उन्होंने लिस्ट निकाला, उसके बाद भी पोस्टपोन हो गया, फिर गवर्नर साहब जो पहले ही आए, आपको पता है रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी कोई तय की थी, वो गवर्नर साहब के नोट्स में नहीं थे। आज हम गवर्नर साहब के नोट्स में ये ला रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी क्या है, उसका क्या सिस्टम है और ये इस्तेसाल है तो ये क्यों है? अगर 30 साल से ये इस्तेसाल जवानों के साथ चल रहा है फिर कोई चेंज नहीं। और हम कहना चाहते हैं कि जो रीजनल पार्टियों ने यहाँ पे कवर अप किया है, अपनी लॉबिज्म बनाई है, अपनी टोली बनाई है, उसके खिलाफ आज युवा मोर्चा बिल्कुल खड़ा है और जवानों के साथ है। हम यहाँ के जवानों के साथ ये इस्तेसाल करने नहीं दे देंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। बिलाल साहब आप हमें बता दीजिए, मरकज में आपकी सरकार है, आपकी सरकार में धांधली हो रही है, कैजुअल लेबर सड़कों पे है, सरकार आपकी है और आप ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जनाब हमारी सरकार यहाँ पे नहीं है सर, मरकज में तो आपकी सरकार है, मरकज में सरकार है, बगैर ये जो कंपनी है ये तय की है यहाँ की गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय नहीं की है, यहाँ की गवर्नमेंट ने की, स्टेट गवर्नमेंट ने की, उसके खिलाफ हम आज प्रोटेस्ट। लेकिन रिजल्ट तो आपके सरकार में निकले, अभी जाके रिजल्ट जो है अभी जाके आपके सरकार में निकले हैं, नॉलेज होगी, ये कंपनी ने तय किया है और फायर एमरजेंसी ने तय किया है, सेंटर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ गई और सेंटर ने कोई भी उसका एक्सेप्ट नहीं किया। 2018 से कोई, सर आपको लगता है कि मतलब बीजेपी अभी नाकाम हुई है ऐसी धांधलियों को सामने लाने में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने होगा कि जो हमने एसएसबी के इम्तिहान करवाए बिल्कुल अच्छी ट्रांसपेरेंट के साथ, एंट्रेंस आप देख रहे हो अच्छी धांधली उसमें कोई नहीं हुई थी। आप देखिए कि विकास कैसे हो रहा है, हमारी सरकार विकास ऑन टोज पे अभी चल रही है, सबका साथ सबका विकास, और इसी के खिलाफ हम हैं। आज जो भी धांधली हो जाएगी यहाँ पे कोई लॉबिज्म, और एडमिनिस्ट्रेटिव को भी हम कहना चाहते हैं, आपके भी बच्चे हैं, इनका आप देखिए कि 8th पास टॉपर आ गया और पीएचडी साहब ड्रॉपर है, आप देखिए कितनी नाइंसाफी है, हम इसको कड़ी से कड़ी मजम्मत कर